मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी मस्त हूँ। एंड मैं अभी आई हुई हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। आज हम लोग निकल रहे हैं अबू धाबी। सो चलो मैं अपनी ब्रेकफास्ट से बताती हूँ। अभी भी मेरे साथ आए हुए हैं, वो गए हुए हैं ब्रेकफास्ट लेने के लिए। दिस इज माई ब्रेकफास्ट। सो गाइज, हम लोग निकल गए थे अबू धाबी के लिए। अबू धाबी जाने का 3 रीज़न था। फर्स्ट इज़ राम मंदिर, जो कि अभी अभी मतलब नया बना हुआ है। एंड सेकंड मस्क जाना था। एंड थर्ड में हम लोग को जाना था फरारी वर्ल्ड। तो आगे हम लोग अभी पहले राम मंदिर जाएंगे। एंड वीडियोस अलाउ नहीं है, तो बस मैं यहाँ से थोड़ा सा दिखा दी, उसके बाद मैं और कुछ नहीं कर पाऊँगी। ये स्ट्रिक्टली यहाँ पे अलाउड नहीं है। एंड लेट्स सी, मैं जाती हूँ मंदिर दर्शन वर्शन करके, मैं आप लोग से मिलती हूँ। यहाँ पे काफ़ी धूप है। दुबई में इतना वेदर है, बट यहाँ का धूप ना बहुत कड़क है गाइस। यहाँ हमारा प्रसाद भी मिल रहा है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, ये भैया सब दिन चलता है? रोज आप एक हाथ में। दर्शन हो गया गाइस। मैं अभी खिचड़ी खा रही हूँ, बहुत टेस्टी है, बहुत ज्यादा यम्मी है। एंड मुझे इंडिया की याद आ गई, क्योंकि हम लोग वहाँ पे बहुत खिचड़ी खाया करते थे। तो कुछ दिन में हम लोग लौटने ही वाले हैं। चलो अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हमारा मस्त, तो वहाँ चलते हैं। सो गाइस, अच्छे से दर्शन हो गया। एंड अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, तो मैंने कुछ शूट भी नहीं कर पाया। एक तरफ से अच्छा भी हुआ, क्योंकि शांति मिलती है मंदिर में मन को। एंड हम लोग अगर फ़ोन में फोकस करेंगे तो वो हमको नहीं मिलेगी, इसलिए कैमरा जो बैन किए हैं ना, वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिए हैं। एंड अभी हमारे प्लान में थोड़ा सा चेंज आया है। हम लोग पहले जाएंगे फरारी वर्ल्ड। हम लोग आ गए हैं फरारी वर्ल्ड। लेट्स सी अंदर क्या होता है। मैं तो पहली बार है मेरा, मुझे पता भी नहीं है, देखते हैं। आए हैं, इसलिए सब रेड 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 पहने हैं, सब रेड। उसका फर्स्ट फ्लोर फरारी वॉल का, जहाँ पे मस्क में पहुंच चुके हैं। एंड यहाँ पे वेस्टर्न ड्रेस कोड कुछ भी अलाउड नहीं है,
जो भी पहना है फुल फुल पहना है। गाइस हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। लाइनें लगनी पड़ी गई इस उनको यहाँ पे आने। The next day। ज़्यादा दर्द क्या है लता? आज हमारा है अटलांटिस में पूरा दिन एंड क्या कैसा करते हैं मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी तो मैं जा रही हूँ लॉस्ट चैम्बर, तो पहले वहाँ पे जाके उसके बाद मिलते हैं। गाइस इसका एंट्री होता है यहाँ से, देन ऐसे हम लोग जाएंगे। बहुत सुंदर है गाइस ये वाला जगह, मुझे बहुत अच्छा लगा स्पेशली।
अंदर चल के देखते हैं और क्या क्या है। मैं एक दिन बहुत कम पड़ गया, हमको 2-3 दिन चाहिए था, लेकिन काफ़ी मज़ा आया जितना भी हम लोग इन्जॉय किए। एंड यहाँ से जाते जाते हम लोग को बहुत लेट हो गया था, 7-8 बज गए थे। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा शॉपिंग वॉपिंग की एंड नेक्स्ट डे हो गया। छोटा सा शॉर्ट क्लिप चाहिए। नहीं बोलो क्या चाहिए। सो गाइज, हमारा ट्रिप सक्सेस होने के पीछे था शहजाद भैया का हाथ। काफ़ी हम लोग को सपोर्ट किया है ट्रिप में, पापा का स्पेशली बहुत केयर किया है, इसलिए पापा थोड़ा सा इमोशनल भी हो गए थे क्योंकि आज था हमारा लास्ट डेट। एंड अगर आप लोग को भी दुबई अच्छे से घूमना है तो मैं भैया का नंबर दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, शहजाद भैया आप लोग कॉन्टेक्ट कर लीजिए, अच्छे से दुबई घूमेगा। लास्ट डे यानी कि आज हमारा चेकआउट है एंड हम लोग थोड़ा सा मार्केट निकले हैं, देरा मार्केट, क्योंकि मेरे घर भी कुछ कुछ सामान लेने का मन कर रहा है क्योंकि मैंने कुछ खरीद नहीं पाई। एंड यस, अभी मैं दीदी और कुम्मू जा रहे हैं क्योंकि रघु शायद मोबाइल ख़रीदेंगे आईफोन, तो वो जाएंगे, पता नहीं वो मीना बाज़ार तरफ जाएंगे या दुबई मॉल, मुझे नहीं पता। फिर से हम लोग जा रहे हैं मार्केट, आज है हमारा लास्ट डे है दोबारा।
बज रहा है 12:30, तो एक दो घंटे में हम लोग बस मार्केट थोड़ा सा घूम के एक्सप्लोर करके आ जाएंगे एंड देखते हैं क्या क्या अच्छा मिलता है, लेट्स सी। हम लोग देरा सिटी सेंटर पहुंच चुके हैं एंड पहले हम लोगों ने सोचा कि कुछ खा लेते हैं, सायशा को भूख लग रही थी, तो यस हम लोग यहाँ पे एक चाय रोटी वाला करके एक है और वहीं से थोड़ा सा कुछ ऑर्डर करें। सो गाइज हम लोग निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए चेकआउट वेकआउट करके एंड यस चेक इन वगैरह सब कुछ हो गया है, अभी होगा बोर्डिंग एंड हम लोग मैकडी से टेक अवे ले रहे हैं क्योंकि 5 आवर का मतलब जर्नी है हमारा, चेन्नई से हमारा कनेक्टिंग फ्लाइट है टू भुवनेश्वर। सो यस हम लोग यहाँ से कुछ कुछ पैक करा लेते हैं क्योंकि मुझे फ्लाइट वाला खाना इतना पसंद नहीं है और यहाँ पे मैकडी ही सबसे मेरे को अच्छा लगा, लाइक कहीं भी आप ले सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो। सो यस चलो अभी हम लोग का बोर्डिंग भी स्टार्ट हो गया है, सो मैं ओपन हो जाएगा थोड़ी देर में, ओपन हो जाएगा तो फिर जाना पड़ेगा ना, तो मैं हम लोग थोड़ा जल्दी कर। चेन्नई का चल रहा है बोर्डिंग 10। इस बार मुझे मिला है विंडो सीट और मैंने इनसे छीन लिया। गाइज़ हमारा टिकट ले चुका है चेन्नई के लिए एंड काफ़ी अच्छा था हमारा ट्रिप, काफ़ी मज़ा आया। ये ट्रिप स्पेशली मैं बहुत इन्जॉय की थी एंड देख रहे हो दुबई का नज़ारा कितना सुंदर है एंड आई गेस ये जो दिख रहा है ना लाइट, ये शायद ग्लोबल विलेज है या फिर ग्लो गार्डन, ये दोनों में से मैं कन्फ्यूज़ हूँ क्योंकि इतना ऊपर से दिख रहा है एंड भूख लग गई थी तो चलो कुछ खा लेते हैं। Moments later. So guys, हम लोग पहुँच चुके हैं चेन्नई एयरपोर्ट एंड यहाँ से हम लोग को टर्मिनल 2 में मतलब हमारा फ्लाइट है चेन्नई। हाँ कह ली, हम लोग पहुँच चुके हैं चेन्नई एंड चलो देखते हैं अभी अभी बज रहा है 1 रात का एंड कितने बजे है हमारा 2:15 को है हमारा 2:15 बज गए। ओके 2:15 को है हमारा नेक्स्ट वो फ्लाइट। सो गाइस ये वाला जो व्यूज़ देख रहे हो ना ये फ्लाइट के अंदर ही था, देखो आसमान के बीच में कितना सुंदर लग रहा है। एक्चुअली हम लोग जा रहे थे चेन्नई से भुवनेश्वर बैक टू पवेलियन, तो वही छोटा सा क्लिप मैंने ले ली थी एंड काफ़ी ज़्यादा थक गए थे एंड भुवनेश्वर में हम लोग लैंड भी कर लिए थे, सो बहुत थक गए थे इसलिए मैं आगे और वीडियो क्या कंटिन्यू करूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड हमने ये दो आईफोन ख़रीदा है 15 प्रो मैक्स, तो वही मैंने दिखा रही थी। सो यस बाय बाय।